नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज। सूबे में महिलाओं संग अप्रिय घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जालौन में शौर्यों से तंग आकर एक छात्रा ने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। मामला जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है, जहाँ के सरेनी निवासी 11वीं की एक छात्रा को गाँव के ही कुछ शौर्य स्कूल जाते जाते हमेशा तंग किया करते थे, जिसकी शिकायत छात्रा ने अपने परिजनों से भी की थी। शुक्रवार को मैंने स्कूल जबरदस्ती भेजा, बेटा जाओ, कोई बात है तो हमें बताना। तो शुक्रवार को गई, शनिवार को घर का काम था, कल बेटा आज मत जाओ, फिर सोमवार से चल जाना। तो जो लड़के छेड़ते थे वो घर के पास में एक दीवार बनी है, तो वो दूसरे की दीवार है तो उस पर बैठते थे। तो जब मैं इधर से गया तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो आया बिच्छू रोने लगी, उसने बताया कि पापा यही लड़के मुझे छेड़ते हैं। मैं अपराधियों के लिए एक बेहतरीन धर्मस्थली साबित हो रहा है, जिसके मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पूरे जिले में अपराधियों ने कई लूट और हत्या को अंजाम दिया, अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। इसी के चलते आज पुराने रंजिश को लेकर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल के लिए भेज दिया है। कांग्रेस कमेटी ने प्रखंड परिसर में किसान से संबंधित एक दिवसीय धरना दिया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने का प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। धरने में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक धरने पर बैठे रहे। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अंचलाधिकारी अरशद अली को ज्ञापन सौंपा गया। वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल क्षेत्र के पाठ्यपुर स्थित दरिया गाँव में ज्योति राव पुलिस परिषद के बैनर तले समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पातेपुर प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर भगत ने की, जबकि संचालन चंदन कुमार ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श करना है। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड में अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर आक्रोश ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। महुआ ताजपुर मुख्य मार्ग से मानवपुर जोगी स्थान चौक से पोखरा होते हुए महुआरा जाने वाले ग्रामीण को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर आक्रोशित लोगों ने महुआ ताजपुर मुख्य मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया। वैशाली जिला स्थित सहदेई बुजुर्ग ओपी क्षेत्र के सराय धनेश निवासी ऋषिकेश कुमार ने सहदेई बुजुर्ग ओपी में अपने साथ मारपीट करने के आरोप में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि शहरिया निवासी प्रमोद सिंह और संगीत राय उसके घर पर आकर धमकी दिया करते थे। आरटीआई उन्होंने मांगा है, हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित की इस घटना के पूर्व भी घायल को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। एक दिवसीय राजा कमेटी के तत्वाधान में इनामी मुकाबला का आयोजन किया गया। हाजीपुर जिले के महुआ अनुमंडल क्षेत्र के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर डुमरा पंचायत के राजा नगर मुकुंदपुर गांव में राजा कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय इस्लामी मालूमाती इनामी मुकाबला का आयोजन किया गया। मुकाबले में मदरसा रामुल उमूल तोगिया यूसुफिया चांदपुर फैद दारुल उमूम महमूदिया टेकनारी फैजान हुसैन चक की मडवारा दारुल उमूम फैजाने इन लोगों ने भाग लिया। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक रामपुर में होगा ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन हॉकी क्लब रामपुर में करा रहे हैं टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट 20 साल बाद रामपुर में हो रहा है। इस क्लब में हॉकी के पुराने खिलाड़ी मिलकर ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसमें भोपाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा जैसे भारत के कई स्टेट की 16 टीमें खेलेंगी। महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला, बोले उसका बैंड बजा भी तो तैयार है, बारात भी तैयार है, लेकिन दूल्हे का फिलहाल पता नहीं है। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा पीएम पद के उम्मीदवार हैं। नकवी ने कहा कि गठबंधन खुद अपने लिए चुनौती है, फोन करते नहीं है, इसका तय नहीं है उसका बैंड बजा भी है या नहीं, बारात लेकर लेकिन फिलहाल दूल्हे जो है वो तैयार है। Thank you.
जिले के काराकाट प्रखंड के ओसाव गांव में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में मगध सम्राट जरासंध जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन कुमार चंद्रवंशी और मंच संचालक तुलसी कुमार ने किया। उन्होंने जरासंध की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण भी किए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों, अति पिछड़ों, मजदूरों को विकास की पहली पंक्ति में लाना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटीके न्यूज।